फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जितना भी यहाँ मीडिया आया हुआ है आप लोग शोट नोटिस में आ, हम लोग का बात को मान के आया है आज और आज हम लोग आप ने हम लोग का जितना भी पेड्रल असेंबली यूनिट है उन सबको आज हम लोग ने यह सीजन बुलाया स्पेशल सीजन बुला के हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है सेवन पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था फिफ्टीन डेज अल्टीमेटम को लेकर के आज हम लोग ने डिबेट डिस्कस किया तो उसमें आज हम लोग ने दो पॉइंट रेजोल्यूशन एडोप किया <coughs> नंबर वन पॉइंट जो आप का जो डिमांड है वो तो इज रहेगा आ, सस्पेंशन ऑफ चंगलंग डी सी सस्पेंशन ऑफ ए सी और 2016 से जितना भी ई वापस सी हुआ पोस्ट हुआ है जो जो ई आरपीसी सी आर पी सी जो इशू किया है उन सब को इंक्वेरी बताना है और उसमें हम लोग का आपसू का दो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है इंक्लूड होना है सेकंड पॉइंट रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ एक नाम ब्री जॉय बोल के उसने एक आपसू का सेंटिमेंट को इंडिजन का सेंटिमेंट को उसने हार्टिंग किया है उसने चकमा हाजू का पेपर में एक वीडियो वायरल किया है उसको हम लोगों ने ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट में हर एक हेड क्वार्टर में पुलिस स्टेशन में हम लोग अपेयर देने का हम लोग आज रेजोल्यूशन एडोप्ट किया है और हम लोग सबसे पहले ईटानगर पुलिस स्टेशन में हम लोग आज ही अपेयर को हम लोग आज आ, करेगा कंप्लेन करेगा इसके बाद जितना भी डी इशू है ट्वेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट उस सब में ब्रिज वो का खिलाफ़ जो है हम लोग एफ देने जा रहा है और तीन तारीख का सुबह चार बजे से लेकर के आगस्ट चार तारीख का सुबह चार बजे तक हम लोग का पहला पेज बनकुल हम लोग डिक्लेयर कर रहा है आज आपसु 24 फोर और अगर उसमें गवर्नमेंट नहीं मानता है तो नेक्स्ट पेज हम लोग इंडिपेंडेंट बनकुल करेगा ये आज हम लोगों ने रेजोल्यूशन एडप किया है ऐसे नहीं है गवर्नमेंट का तरफ से भी क्रोसमिन हो रहा है कल हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था सेक्रेटरी होम और ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी कमिश्नर तो उन लोगों ने हम लोगों को टाइम मांगा है आ, दो महीना का तो हम लोग ने रिक्यूज किया क्योंकि ये सीरियस मेटर है गवर्नमेंट इसको अर्जेंटली काम करना है इसलिए हम लोग ने कल उसको टाइम नहीं दिया तो आज आ, उस चीज़ को हम लोग जो पेडल में हम लोग जो टेबल में ला के डिबेट किया है तो उन लोगों ने भी नहीं माना ये कहा है कि ये एक इमरजेंसी केस है उसको हम लोग जो टाइम नहीं देना है इसलिए हम लोग जो है तीन तारीख को हम लोग फर्स्ट पेज को डिक्लेयर किया है कॉल और गवर्नमेंट को हम लोग यही अपील रहेगा कि ये ना कोई पॉलिटिकल इशू है ना कोई हम लोग ये करप्शन इशू को लेकर हम लोग मुद्दा होता रहे ये स्थित का इशू है कहीं ना कहीं इसमें कंस्पेरिसी है आज फाइव हंड्रेड को आर पी इशू किया है ये स्थित का इशू है यहाँ हर एक फैमिली से चकमा हजों को हर एक फैमिली से एक एक हेड ऑफ़ द फैमिली को इशू किया जा रहा है और उस आर में ये लिखा है कि जॉब एन एजुकेशन तो इसमें ऐसे आदमी भी इशू किया है जिसका एज जो है सिक्सटी फाइव से ऊपर है ऐसे आज एज भी है जहाँ जिसका एज फिफ्टी प्लस से ऊपर है वो आदमी कहाँ में जॉब करेगा वो हम लोग को बताइए सिक्सटी फाइव एज जो है कहाँ में जॉब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करेगा ना स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करेगा ये कहीं ना कहीं कंस्परेसी है कल को इसका चलते उन लोगों ने एक लीगल राइट हो जाएगा कि मेरा पिताजी जो है आर होल्डर है उसका बच्चा कल क्लेम करेगा आज आर पी इशू किया है कल को एस मांगेगा कल को लैंड ओनरशिप मांगेगा उन लोग ये आने वाला के लिए हम लोग ये मुद्दा उतार रहे हैं तो 2019 से लेकर आज तक बहुत ही ज़्यादा इशू किया है आर इससे पहले भी इशू किया है लेकिन उसमें बहुत कम इशू किया है एक गिना चुनालों का इशू किया है लेकिन टू थाउजेंड का बाद में बहुत ज़्यादा इशू किया है मेरा प्रेसिडेंट और जीएस एस ने मेरा वाइस प्रसिडेंट पुर्तगोल आचि गांधी और हम दोनों को इंडोर्स किया पैक फाइंडिंग कमेटी बना के जब हम लोग ग्राउंड लेवल में जाके ज्वाइन में जब देखा तो सच में इशू किया गया तो है तो इसलिए हम जितना भी पब्लिक है आप सबको हम अपील कर रहा है ये अफसु जो है एक अपलू का आवाज बन के हम लोग जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं अभी इम्प्लीमेंट करना अभी आप लोग का हाथ में है जितना इंटर स्टेट का पब्लिक को हमें अपील करा है कि ये बनकुल को सब लोग उतर जाए सड़क पर सब लोग अपना हिसाब से एज ए इंडिजिनियस आप लोग जो है बनकूल को साथ दीजिए सब लोग इसमें काम कर कोई लोग अभी यहाँ अरुणाचल में बैठ के आ, जो सब्जी बेच के अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं जो लकड़ियाँ बेच के जो अपना बच्चा को पढ़ा बाहर स्टेट में दिल्ली में मुंबई में ये सोच के कि कल को मेरा बच्चा पढ़ के नौकरी करने करने लायक हो वो बच्चा कल कहाँ जाएगा जब रिफ्यूजी लोग जो है चांगमा हाजूम लोग जो है यहाँ में आर पी सी जब स्टेट में रहेगा दुनिया भर का अनएम्प्लोमेंट जब भरा हुआ है हम लोग का होना चाहिए इसको हम लोग इम्प्लमेंट कर सक रहा है फिर भी गवर्नमेंट जो है चांगमेन हाजूम को बेनिफिट देने के लिए बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग का स्टैंड क्लियर है ये दो आदमी जो है क्लियर का सस्पेंशन होना है सनी सिंह जो चांगलंग का डी है और ये सी दायन एस uh, रॉय ये दोनों सस्पेंशन uh, होना है इमिडियटली और और एक बात यहाँ हम लोग जो एमएलए एम एल का नाम लिया है समलुंग मोसंग जो वहाँ का लोकल एम है यह हम लोग का पास में पूरा आईविडेंट है पूरा प्रूफ है ऑफिसर्स ने क्लियर कट ये बोला है कि एम एल साहब का डायरेक्शन से हम लोग जो है आर पी इशू किया है देखो हम लोग का आपसू का मानना ये है कि आप एक लेजिस्टिव हैं आप एक लॉ मेकर हैं अभी अरुणाचल को ऐसे रास्ता में ले जाएगा तो किसे चलेगा स्टेट एक लीडर होके तो ये हम लोग का यह कोई हम लोग पोलिटिकल मोटिव ना हम लोग कभी सामान मौसम को मिला है ना कभी देखा है कल को अगर यह हम लोग आज एग्जाम्पल नहीं दिखाएगा तो कल सामनासून जैसे आदमी जो है कल को आके दोबारा इशू करेगा कौन रिस्क लेगा इसलिए गवर्नमेंट को क्लियर अपील हम लोग का तरफ से एक्शन लेना है जो प्रोविज़न है हम लोग का डिमांड ये है कि जितना भी एज ए लेजिस्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो उसको बेनिफिट मिलता है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना है इमीडिएटली विड्रॉ करना है और क्लियर मैसेज है आप सब का तरफ से एम एल ए सामनू मौसम जी को क्लियर कर ये मैसेज है कि दो तारीख तक आप जो भी आपका प्रमोलिस करना है कर लीजिए तीन तारीख का बाद ना आप सब का रिस्पांस होगा ना या किसी का रिस्पॉन्सिलिट नहीं होगा ये क्लियर मैसेज है आप लोग की तरफ से तीन तारीख तक आपका जो भी फॉर्मोलिटीज़ करना है करके आप सरेंडर कर दीजिए या आपका स्पीकर को कर दीजिए या सीएम को कर दीजिए किसी को भी कर दीजिए सरेंडर कर दीजिए नहीं तो दो तारीख़ का बाद यह कोई हम लोग को रिस्पॉसिलिटी होगा ये क्लियर मैसेज है साम लोग मासूम का और रोबिन चकमा जो इलीगली वहाँ में अपॉइंट करके रोबिन चकमा ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ना सैलरी का स्लिप है वहाँ पर ई का ऑफिस में घुस के सारा मशीनरीज को यूज़ कर रहे हैं कौन सा फैमिली से किसको आरपीसी देना है वो डिसाइड करता है उस सब से सामसम एम एल जो है ए सी को डायरेक्शन देता है डीसी को डायरेक्शन देता है उस सब से आर जो है दिन ब दिन इशू करते जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग का मांग है कि ये जो रोबिन चकमा जो है इमेडियटली अरेस्ट होना है एक कंस्यूटर का सेक्शन में डाल के आ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डालना है बोलकर हम ऑलरेडी और आ, में दिया है उस हिसाब से इमेडियटली अरेस्ट होना है ये हम लोग का मांग है ये है और जितना अभी फाइव से प्लस जो आर पी इशू किया है विद नो टाइम में सब का सब कैंसलेशन होना है ये हम लोग क्लियर करता हम लोग का डिमांड है और गवर्नमेंट का कॉरस्पोडेंट को हम लोग यही बोलेगा ताटी तक अगर आप लोग का बाय रिटर्न अगर आता है तो हम लोग जो है इस बनकोल को हम लोग कर भी सकता है और अगर ताटी पास का बात आता है तो हम लोग बिल्कुल हम लोग कॉल कॉलअप नहीं करेगा हम लोग का बनकोल जारी रहेगा ताटिपात से पहले अगर आपका रिटिन में बाई रिटिन में अगर आप लोग का आता है तो टिके हम लोग जो है कॉल कॉलअप करने का रेडी तो है क्योंकि हम लोग को जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट मान रहा है तो बनकोल जबरदस्ती करना हम लोग का वो इंटरेस्ट नहीं है अगर गवर्नमेंट हम लोग का काम फुलफिल कर देगा तो ओबियसली हम लोग जो है बनकोल को हम लोग कॉल कॉलअप कर देगा तो ये हम लोग का तरफ से क्लियर मैसेज है और जितना भी पब्लिक है जितना भी यहाँ का वेल है आपसू का जितना भी फोरमा यून है और जितना इंटेलेक्चुअल है आप लोग को यही अपील है ये ट्वेंटी फोर हावर्स को हम लोग सब मिल के सक्सेस करना होगा टू तो थाउजेंड नाइन्टीन का फेब्रुआरी में जो हादसा हुआ है अरुणाचल में वो तो सिर्फ पी आर सी नहीं देने के लिए हम लोग जो है उस समय में हम लोग का तीन आदमी मारते हुआ था लेकिन अभी जो है पी आर सी और दे चुका है कुछ जाँच कीजिए आप लोग अभी इस तरह क्या होने जा रहे हैं इसलिए जितना भी वोलेस को आप लोग अपील है कल को आपसू का एक्टिविश आपू का अपसु का जितना भी एजुकेटिव मेंबर सड़क पे उतरेगा साथ दीजिए आप लोग पानी पिलाइए जहाँ ज़रूरत होगा आप लोग पिलाइए पिलाइए इंटर स्टेट को क्लोरिंग से लेकर के तबंग तक ताबंग से लेकर के अड़िनी तक हम लोग का बनकोल जो है स्टेज वाइज करेगा इसमें जितना भी अपील है बुरी बुरा जितना भी माँ पिताजी सबको अपील कराए कि आपसू का एक्टिविट जो है आप लोग का ही एक सफाई है भले ही हम लोग जो है बर्दी नहीं मिलता हो सैलरी मिल नहीं मिलता हो लेकिन हम लोग का काम जो है एक सफाई का तौर पे हम लोग काम करता है एक अरुणाचल को बचाने का काम करता है ये आपका ही लड़का लोग है आपका ही बच्चा लोग है आपका ही बाए लोगों का कल को बनकोल में जो उतरेगा इसलिए मेरा दिल से अपील है जितना भी इस, इंटर स्टेट का पब्लिक लोग को आप लोग भी उतर जाइए इस बनकोल को सक्सेस करना है गवर्नमेंट को ये क्लियर मैसेज देना है कि इलीगली इमारग्रेन को हम लोग अरुणाचल में एक्सेप्ट नहीं करता है और चकमा और हाजुंग जो है रिफ्यूजी है ये मिसेज हम लोग गवर्नमेंट को देना है सो so, बाकी जो भी आ, बात है मेरा प्रोटोकॉल जो है आ, बात करेगा अरुणाचल आज एक ऐसा दौर पे है जहाँ पे चकमा हजों को अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला वो हमारा आपसू का वजह से है हमारा वजह से नहीं है हमारा जितना पोर्मर जो आपसू के लीडर रहा उनका वजह से आज तक चकमा को हजों को यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिला ये हमारा एक बर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट के लिए और ये चकमा और हाजों कौन है इसको हमको सही ढंग से जानना है ये चकमा और हाजों जो है ये बांग्लादेशी है बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया ब्रिटिश रिजम में ये लोग वहाँ रहता था जो वहाँ रहने वाला आदमी लोग चितागॉ हिल ट्रैक्स उन लोग का जगह है 1900 सेंचुरी में ब्रिटिश ने उन लोग को चितागॉँव हिल्स तक रेगुलेशन एक्ट तो उन लोग को दिया उन लोगों को वह प्रोटेक्शन के लिए दिया उनमें उस जगह में उन लोग सही से ढंग से रह सकता है जिस तरह से अरुणाचल को हम लोग को बेंगल रेगुलेशन एक्ट दिया है उसी तरह से उन लोग को प्रोटेक्शन का एक एक्ट दिया गया था ये उनका अपना जगह है बांग्लादेश बनने का बाद उनका क्या टेक्निकल प्रॉब्लम उसको हम लोग को पता नहीं है वो हमारा अरुणाचल में आ गया मिजोरम में आ गया त्रिपुरा में आ गया असम में आ गया उन लोग अपना राइट्स के लिए बांग्लादेश में बहुत लड़ा एक शांति वाहिनी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किया जो बंदूक उतारता था उन लोगों ने यह फॉर्म करने के बाद अपना राइट्स के लिए फिर उधर दोबारा बात किया ऐसे करने के बाद 1997 में गवर्नमेंट ऑफ बेंगल उस एरिया को फिर से उनको राइट्स को एबल करवाया उनको चित्तागांव हिल्स ट्रैक ऑटोनमस काउंसिल दे दिया जिस समय उनको यह काउंसिल दिया राइट्स दिया तो हमारा इंडिया से कम से कम थर्टी फाइव थाउजेंड चकमा वापस चला गया था जिस समय उन लोग वापस गया तो हमारा अरुणाचल का चकमा क्या कर रहा था यहाँ में किस लिए यहाँ बेहतर है ये रीज़न को हमको जानना है आपका राइट्स को आपका लिबर्टीज़ को सब कुछ को आपको आपका बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दे दिया आपको लेकिन आप अरुणाचल में क्यों बेहतर है ये आज आप अरुणाचल में बैठ के हम लोगों का डेमोग्रेथिक डेमोग्रेफिक सिस्टम को चेंज करने के लिए कर काम कर रहे हैं आज अगर आप हमको राइट देता है ये राइट्स का वजह से हमारा पीरी बर्बाद हो जाएगा हम अपना पीरी के लिए आज लड़ रहे हैं ये एक ऐसा चकमान हज ऐसा एक कम्युनिटी है वो किसी से लेन देन नहीं है केवल अपना लिए सोचता है आज इतना साल का पाइट होने के बाद अभी तक जो हम लोग पाइट कर रहे हैं आप इसमें क्लियर कर देखे हमारा प्रेसिडेंट ने उनको बोला इलीगल इमिग्रेंट फॉरिनर्स वो एक हमारा रिफ्यूजी है किस लिए उसको इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट बोला बहुत सारा चकमा अभी अरुणाचल में आ रहा है आ गया बहुत सारा चकमा जो उस समय में जो नए आने वाला आदमी जिसको रिप्यूज का स्टेटस नहीं मिला वो आदमी आज अरुणाचल में भर्ती हो रहा है आज इनका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हुआ है आज अगर हम उनका राइट्स को अभी यहाँ ख़त्म नहीं करेगा कल वो हमारा राइट्स को खत्म करेगा हम एज ए आपसू हमको हमारा अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट के बारे में बात करना है हमको अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट का प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है और हमारा फ्यूचर के लिए बात करना है इसीलिए हम लोग अरुणाचल में एज ए अपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहीं भी कहीं भी जगह पे जहां हम लोग राइट्स को चीनने के लिए ढूंढेगा हर कोई बाहर का आदमी है उसके खिलाफ हम लोग हैं नॉट ओनली चकमा नॉट ओनली हाजो हर कोई भी बाहर आदमी अरुणाचल में आके अगर हमारा राइट्स को चीनेगा उसके खिलाफ हम लोग लड़ेगा आज हम रेजिडेंशल प्रूफ सर्टिफिकेट जो चकमा को इशू किया है उसका अगेंस्ट में हम क्यों लड़ रहे हैं जो समलुग मोहसंग जो एम है वो हमारा अरुणाचल का एमएलए है हमारा सिंपो के लिए है हमारा खामती के लिए है हमारा तंगसा के लिए है वो चकमा के लिए नहीं है वो आज चकमा को राइट दिला रहा है चकमा को बोतल लीज में इनरोल करा रहा है चकमा को आरपीसी दे रहा है चकमा को हर प्रोविज़न को दिला रहा है जिस दिन जैसे प्रोविज़न दिलाते रहेगा तो हमारा सिंपो भाई बहन कहा जाएगा हमारा तंगसा भाई बहन कहा जाएगा उनका राइट्स को आज डिवाइड कर रही है जो चीज़ को हमको खाने मिलना था उस चीज़ को दिवायत करके उसको दे रहा है इसीलिए हम लोग ये कहता है सामलोस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है जो सरकार ने उसको बंगलो दिया जो सरकार ने उसको गाड़ी दिया जो सरकार ने उसको बनतीवाती दिया हमारा अरुणाचल के इंटरेस्ट में काम करने के लिए लेकिन वो उस चीज़ को लेके मिस कर रहे हैं इसीलिए आपसे कहता है कि वो सब राइट्स को वो सब प्रिवलेज को वो सरेंडर करना पड़ेगा आज आर दिया ये आर क्या है रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट और पीआरसी क्या होता है पीआरसी और आरपीसी में कोई अंतर नहीं है ये सब प्रोविज़न को दे रहा है आज नरेगा का प्रोविज़न हमारे लिए है उनके लिए नहीं है आज हेल्थ इंश्योरेंस हमारा अरुणाचल के लिए है उनके लिए नहीं है अगर उनके लिए होता तो अगर सर इंडियन गवर्नमेंट उसको बोलता है तो उन, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस उसको लेने दो हमें उसको आपत्ति नहीं है लेकिन हमारा जो अरुणाचल का रायच हम उसको नहीं देगा और ऐसा ऑफिसर है उस एरिया में जिसको हम लोग आई मानता है जो अरुणाचल का स, इंडिया का सबसे तोपर जो मतलब सबके लारनेत ऑफिसर माना जाता है ऐसा आदमी ए डी सी बनने का तो भी इशू कर सकता है ये किस लिए ऐसा करना चाहिए ये अरुणाचल में ऑफिसर बनने के लिए नहीं है जो हमारा अरुणाचल में अगर आप ऑफिसर बन के आया है तो हमारा राइट्स हमारा हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आना चाहिए ना कि रिफ्यूजी को राइट देने के लिए आना चाहिए इसीलिए इस आदमी का हम लोग सस्पेंशन मांग रहे हैं दूसरा जो एस रोय है दायुन का जो ई है इतना आराम से हम लोग को करता है कि ये एम का बात है कंस्पैरिसी में आप भी पछता है आप मानता है आप नॉन अरुणाचली हैं लेकिन जब आप अरुणाचल में सर्विस कर रहे हो तो अरुणाचल के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए लेकिन आप ये नहीं सोच के हमारा अरुणाचल को आप बेच रहे हैं इसीलिए हमारा आपसू का दिमाड है जिस डिमांड को आप लोग ऑलरेडी मीडिया में हमने दे चुका है ये डिमांड को हम लोग को फुलफिल करना है अरुणाचल में जो चाकमा और हाजुम जो रहता है आपको जिस तरह से बांग्लादेश में आपको राइट दिया है अरुणाचल में इसी तरह से आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उस राइट को दिया गया है हमारा इंडिजिनस को प्रोटेक्शन करना हमारा ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्शन करना हमको दूसरा आदमी का साथ में हमको हमारा राइट्स प्रॉपर्टी को चिन्ह नहीं देने का हमको जो राइट दिया है उसको हम चकमा को चिन्ह नहीं देगा हाजू को चिन्ह नहीं देगा अब भले हिंदू हो सकता है अब भले बुद्धिस्ट हो सकता है आप, आप अरुणाचल चोर के चला जाइए हमको इससे कोई लेन देन नहीं आप कहाँ जाना जाइए हम आज इस्ती है आर पी सी कैंसिल होना है और चकमा हजन के ऊपर में एक्शन स्त्री लेना पर सरकार अरुणाचल गवर्नमेंट हमारा बात को अगर नहीं सुनेगा सही ढंग से तो हम अपना बात पे रहेगा कल रास्ता पे निकलेगा जिस दिन रास्ता पे निकलेगा केवल आपसू नहीं निकलेगा हम अपील करता है आपसू का जो बनकुल होगा वो अरुणाचल के लिए है यह कोई ब्याम हापों के लिए नहीं है यह कोई हमारा तना दोजी के लिए नहीं है यह कोई रितुन ताली के लिए नहीं है। हमारा हमारे आपसू का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके लिए नहीं है ये पूरा अरुणाचल के लिए है इसीलिए हम अरुणाचल का जो हमारा जितना भी कम्युनिटीज़ है इसवें ऑर्गेनाइजेशन का उन सब को भी अपील करता है कम्युनिटी बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन पर यह आपसू का पाए शुरू नहीं है यह आप लो का पाइट है इसलिए अपना अपना पाइट को तो, सही ढंग से अपना राय को रखने के लिए हम लोग सरकार को वेट करेगा उसके बाद सीधा हम लोग का जो ट्वेंटी तो फोर आवर्स का कॉल होगा उसमें आप लोग हर कोई हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम उनका राइट्स को हटा सकें और हमारा राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें